हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है ब्रजभूषण शर्मा और आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ दोस्तों आपके लिए, वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए नहीं, आपके पूरी टीम के लिए। रीजन ये है दोस्तों, नया प्लान आने के बाद कई लोग कंफ्यूज हैं कि नया लॉयल्टी प्रोग्राम अच्छा है या पुराना वाला अच्छा था। पुराने में 1 साल बाद 2 बार फ्री मिलता था, नए वाले में केवल हर महीने ही मिल रहा है, साल वाला खत्म हो गया। बहुत सारे सिनारियो है जिससे लोग कंफ्यूज हैं, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ स्पेशली क्लैरिटी के लिए कि आपको ये चीज पता लग जाए कि नया नया जो लॉयल्टी प्रोग्राम है वो किस तरह से पुराने वाले से अलग है। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई भी आपके सामने अपना रिजल्ट नहीं बता रहा हूँ कि नया प्लान अच्छा है पुराना अच्छा था, यहाँ पर मैं आपके साथ फैक्ट शेयर कर रहा हूँ। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको नया प्लान अच्छा लगा या नहीं लगा, और मैं आपको अपना भी रिव्यू दूंगा, जेन्युइन रिव्यू दूंगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या है। तो सबसे पहले कंपेरिजन में कर रहा हूँ लॉयल्टी प्रोग्राम का, समीर मोदी आजादी प्लान जो पुराना वाला प्लान था, और समीर मोदी ग्लोबल प्लान जो भी नया वाला प्लान हो चुका है। तो मैं आपको यहाँ पर छह पॉइंट बताऊंगा इस वीडियो में, ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि आपको यही पॉइंट अपने टीम में बताकर लोगों को मोटिवेट करना है कि वो सही डिसीजन ले पाए लॉयल्टी करने के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करने के पहले, अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और थम्स अप जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करिएगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मिनिमम ऑर्डर। जो पुराना प्लान था उसमें हम 1800 का मिनिमम ऑर्डर कर सकते थे, हालांकि ये कोरोना में ही स्टार्ट हुआ था, उसके पहले तो 2500 का ही करना पड़ता था, बट चलो ठीक है। अभी हम ये मान लेते हैं कि अगर 1800 का ऑर्डर करोगे तो आपको 80% लॉयल्टी मिल जाती थी। ठीक है, 80% मिलती थी आपको 1800 से, अगर आप 2499 तक का सामान लेते थे, मतलब 2500 से कम का, तो आपको 6 महीने आप लगातार 1800 का सामान लेते थे तो आपको 80% का सामान फ्री मिल जाता था। जबकि नए प्लान में दोस्तों कंपनी ये बोल रही है कि अगर आप 30 PV का सामान लेते हो, मतलब अगर 60 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेते हो, जिस भी प्रोडक्ट में 60 बिजनेस वॉल्यूम है, 60% बिजनेस वॉल्यूम है, जैसे वेलनेस के हो गए, एनवायरो चिप हो गया, तो केवल 1350 में हो जाता है। अब अगर आप ये सोचते हो कि आपको वेलनेस का सामान तो जरूरी नहीं है कि हर महीने लेना होता हो, और पहले तो 1800 का सामान लेना पड़ता हो, तो कंपनी दोस्तों ये कह रही है कि दो तरीके होते हैं कोई भी काम करने के, स्मार्ट वर्क होता है और हार्ड वर्क होता है। तो कंपनी ये बोल रही है अगर हम स्मार्ट वर्क करते हैं तो केवल 1350 रुपए में हम अब नई लॉयल्टी ले सकते हैं, मतलब अगर हम 60% बिजनेस वॉल्यूम के सामान लेते हैं तो मात्र 1350 में आपका लॉयल्टी हो जाएगा, जबकि पुराने प्लान में 1800 रुपए खर्च करने ही पड़ते थे। अब जाहिर सी बात है अगर आप लो बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट लोगे तो आपका ये जो रुपीज है ये बढ़ जाएगा। तो अभी क्या है, अगर आप एक तरह सोचो तो अच्छी बात यह है कि 1350 रुपए में ही आपकी लॉयल्टी हो जा रही है, अगर आप प्रोडक्ट रिटेल कर पाते हो, अगर आपके घर में हेल्थ के प्रोडक्ट यूज होते हैं, प्रोटीन वगैरह। बट अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप 50% का सामान लेते हो तो इसमें से थोड़ा सा पैसा बढ़ जाएगा, बट फिर भी 1800 से कम में भी 50% के सामान हो सकते हो। हाँ, अगर आप तेल मसाला घी लेते हो, फूड के आइटम लेते हो, तो नहीं हो पाएंगे। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है कूपन रिडेम्पशन। ये सबसे सॉलिड पॉइंट है और ये मैंने भी फेस किया, मेरी टीम बहुत बड़ी थी और बहुत सारे लोगों को चैलेंज आता था, उनको समझ नहीं आता था सिस्टम। उनको जितना भी फोन कर लो, जितना भी फॉलो अप कर लो कि भाई अपना ऑर्डर कर लो, आज आखिरी तारीख हो गई लॉयल्टी की, बट हर बार कभी ना कभी उनका मिस हो जाता था। कभी तीसरे महीने में मिस हो गया, कभी पांचवें महीने में मिस हो गया, और कई बार तो पांचवें महीने मिस होता था, मतलब लगातार 5 महीने तक बंदे ने सामान लिया और 6ठे महीने उसका मिस हो गया, तो उसका पूरा 6 महीना बेकार हो गया, और ये बहुत ज्यादा केस होता था। जबकि नए प्लान में क्या हो रहा है दोस्तों, नए प्लान में आपको लॉयल्टी कूपन अगले महीने ही मिल जाएगा, अगले महीने मिल जाएगा, मतलब अगर आपने 30 PV का सामान लिया तो 200 रुपए कूपन आपके अकाउंट में इसी महीने एक्टिवेट हो जाएगा, उस कूपन को आप अगले महीने यूज कर सकते हो। अब इससे फायदा क्या है, देखिए ये जो नया प्लान है इसमें अगर आप सोचोगे तो बहुत सारे फायदे भी हैं, और अगर आप सोचोगे तो थोड़े बहुत घाटे भी हैं। तो अगर आप इसको ऐसा फायदे देखो तो देखो मैजिक कॉर्नर होता है, उसमें आपको सामान खरीद के मैजिक कॉर्नर ये करना पड़ता है ताकि आपका बिजनेस ग्रो करे। अगर आपको पता हो मैजिक कॉर्नर के बारे में, घर की दुकान के बारे में, तो अगर आप 6 महीने तक काम करते हो, 6 महीने बाद फ्री सामान मिलेंगे, फिर आप मैजिक कॉर्नर में 6 महीने बाद उस फ्री सामान से अपना मैजिक कॉर्नर बढ़ाओगे। बट अभी जो लोग के पास पैसे की प्रॉब्लम है वो लोग अगले महीने ही फ्री का सामान लेकर उसको आप रिटेल कर सकते हो, उसको आप डेमो किट बना सकते हो, उसको आप मैजिक कॉर्नर में बना सकते हो। तो ये फायदा है, अगर आपको तुरंत फ्री सामान मिल रहा है तो आप कैश, मतलब लिक्विड कैश कर सकते हो, उसको बेच भी सकते हो, उसको गिफ्ट भी कर सकते हो। अब 6 महीने का वेट नहीं करना, जो कि मेरे को काफी सॉलिड पॉइंट लगा, क्योंकि पहले वाले प्लान में 6 महीने वेट लोग नहीं करते थे, लोग 2 महीने में छोड़ देते थे, फिर उनको लगता था देखो मैंने तो 5000 का ज्वाइन करते समय सामान लिया और मेरा तो लॉस हो गया, क्योंकि मेरे को तो बेनिफिट ही नहीं मिल पाया। जबकि पहले वाले में क्या, अब इस प्लान में क्या हो गया, इस नए वाले प्लान में आपने अगर सामान लिया
अच्छा खाता तो आपको 1200 रुपए तक का कूपन इसी इसी महीने मिल जाएगा, जिसको आप अगले महीने रिडीम कर सकते हो 30 BV का सामान खरीद के। नंबर ऑफ क्वालिफायर्स की बात करें तो ये कंपनी आंकड़े दे रही है, ठीक है। अब कंपनी ने ये PDF अगर शेयर किया है तो ये नंबर जो है ये सही होंगे। तो कंपनी ये बता रही है कि 60,000 लोग जो है वो क्वालिफाई करते थे पुराने वाले प्लान में। नए वाले प्लान में ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि तकरीबन तकरीबन 5 लाख लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि हर महीने 6 महीने तक लगातार लेने का जरूरत नहीं है। मैक्सिमम परसेंटेज रिवॉर्ड की बात की जाए यहाँ पर, तो पहले जो था 6 महीने का अगर आप सामान लेते थे तो आपको 16.7% मतलब जो आपको फ्री गिफ्ट मिलते थे लॉयल्टी में, वो रिवॉर्ड के रूप में मिलते थे, ठीक है। और 12 महीने बाद आपको 25% तक के ये मिलते थे। बट लगातार 12 महीने करने वाले बहुत ही, मतलब मैं कहूंगा 1 से 2% लोग होते थे जो लोग 12 महीने लगातार सामान लेते थे। वो लीडर्स ही होते थे जो मोदी केयर में पैसा कमा रहे हैं और जिनका विजन क्लियर है। बट अगर मैं बात करूं मेरी टीम की, तो मात्र 1 से 2% लोग थे जो 12 महीने तक टिकते थे, बाकी लोग 2-3 महीने 6 महीने में वापस, मतलब 6 महीने बाद मैक्सिमम जो मेजोरिटी थी वो 6 महीने बाद चली जाती थी। अब नए प्लान में कंपनी क्या बोले दोस्तों, अगर आप 60% बिजनेस वॉल्यूम के सामान ले रहे हो तो मात्र 2700 रुपए में आपकी लॉयल्टी जो है 600 रुपए वाली हो जाएगी, और जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा आपको 22.2% मंथली, ठीक है। पहले क्या मिलता था, पहले 16.7% मिलता था, वो भी 6 महीने इंतजार करने के बाद। बट नए प्लान में आपको सिंगल मंथ में 22.2% मंथली लॉयल्टी मिल रहा है अगर आप 60% के सामान लेते हो। अब अगर आप लो बीवी के भी प्रोडक्ट लेते हो, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अगर आप सारी कैटेगरी को खाने पीने कैटेगरी छोड़ दोगे तो लगभग 50% बिजनेस वॉल्यूम मोदी केयर मैक्सिमम उसमें देता हो, चाहे बेबी केयर के प्रोडक्ट हो, वो चाहे होम केयर के प्रोडक्ट हो, तो सब में मिल जाता है। तो कंपनी बोली अगर आप 50% बीवी के भी सामान लेते हो तो 3240 रुपए में आपका 60 PV हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में आपको 18% 5 मंथली लॉयल्टी मिलेगी। तो दोनों ही केस में आप यहाँ देखो, दोनों ही केस में नई लॉयल्टी अच्छी है, क्योंकि पहले 16.7% ही आपको बेनिफिट दिया जाता था, जबकि अब मिनिमम भी पकड़ के चलोगे 50% में तो 18.5 ये मिल जाता है। हो सकता है मेरी कैलकुलेशन गलत हो तो आप कमेंट में बताना। पांचवा जो पॉइंट है दोस्तों वो है रिवॉर्ड एट मिनिमम ऑर्डर, ठीक है। 13.3% का हमको रिवॉर्ड मिलता था मिनिमम ऑर्डर पे। मतलब अगर हम 80% प्रोडक्ट की बात करें, 80% की बात करें, मतलब 1800 रुपए की लॉयल्टी की बात करें, तो अगर आप 6 महीने तक 1800 के सामान लेते थे तो आपको जो मिनिमम रिवॉर्ड मिलता था वो मिलता था 13.3, ठीक है। जबकि नए नए जो लॉयल्टी प्रोग्राम है उसमें अगर आप 200 रुपए वाउचर की बात करते हो, ठीक है, जो कि 30 PV वाला होता है, 30 PV का सामान लेने पर आपको मिनिमम वाला मिलता है, तो उसमें 1350 में 30 PV हो जाता है, और जो बेनिफिट मिला वो मिला 14.8%, जो कि 13.3 से ज्यादा है, वो भी 6 महीने का वेट नहीं करना आपको, सेम मंथ में मिनिमम वाले में फायदा है। तो हर तरह से आप देखो, तो आप खुद डिसाइड करो, मैं नहीं बोलूंगा नया अच्छा है, आप खुद डिसाइड करो कि नया प्लान अच्छा है या नहीं। एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं सोचूं, या फिर कंज्यूमर स्मार्ट कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू मैं सोचूं, तो नया प्लान हर केस में अच्छा लग रहा है पर्सनली मेरे को। आप बताइएगा आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो यहाँ सिंगल सिंगल वाले में भी नया प्लान जीत जाता है। उसके बाद छठा जो पॉइंट है आखिरी, वो है हाईएस्ट मंथली रिवॉर्ड। तो अगर हम बात करें, कोई व्यक्ति 6 महीने लगातार सामान लेता था तो हर महीने उसको लगभग लगभग 5,000 का अगर मैक्सिमम मिल रहा है तो 833 रुपए के आसपास का हर महीने का बेनिफिट मिलता था। और अगर 12 महीने वाली हम बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा फायदा था, बट फिर से मैं आपको याद दिलाऊं, केवल 2 से 3% लोग ही हैं, कस्टमर की बात कर रहा हूँ, जो 12 महीने तक जाते थे, नहीं तो कोई भी 12 महीने तक नहीं जाता था। मैक्सिमम लोग 3 महीने 6 महीने बाद क्विट कर देते थे। तो मैक्सिमम फायदा 1250 रुपए का था मंथली हिसाब में, बट नए प्लान में 1200 रुपए मंथली आपको मिल रहा है अगर आप 120 PV का शॉपिंग करते हो, ठीक है। तो अगर बात की जाए तो अब ज्यादा फायदा है हाईएस्ट मंथली अवार्ड में। पहले आपको 5,000 से ज्यादा का सामान नहीं मिलता था। अगर आप ज्यादा भी ऑर्डर डालते थे, कहते थे कि चलो मैं तो 5-6 हजार का भी सामान लेता हूँ, बट मेरे को तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि लॉयल्टी तो केवल 5,000 की ही मिलेगी हर महीने अगर आप करोगे तो। बट अब नया जो सिनारियो बन के आ रहा है वो ये है कि अगर आप 120 PV का सामान लेते हो 6,000 के आसपास का या 7,000 के आसपास का, तो अब हमको हर महीने 1200 रुपए का लॉयल्टी कूपन मिल रहा है, जो कि कहीं भी कहीं ज्यादा है। मतलब 1 साल का बिना वेट किए अगर आपको हर महीने 1200 का कूपन मिल रहा है तो आप प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हो, जैसे नोनी जूस वगैरह हो गया। तो ये है, तो ये था पूरा कंपैरिजन दोस्तों जो मैं आपके लिए लेकर आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारे टेक्निकल वीडियोस मिलेंगे जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी।
तो चैनल पे बने रहिए, अपने टीम में लोगों को सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज उनको मिले। तो दोस्तों मेरा ये मानना है, नॉलेज इज पावर, जितना ज्यादा नॉलेज आपकी टीम को होगा उतना ज्यादा वो मोटिवेटेड रहेंगे काम करने के लिए। दो चीजें होती है, एक तो होता है मोटिवेट करके काम कराते हैं, दूसरा होता है नॉलेज अगर उनको सही मिल गई तो खुद ब खुद मोटिवेट होंगे। तो इस वीडियो का लिंक आप अपने टीम के लोगों को भेजिए, ताकि वो नए और पुराने में जो अच्छी चीजें हैं, जो कंपेरिजन है, वो समझ पाए। और आज के वीडियो में इतना ही। मैं ब्रिभूषण शर्मा अब इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।